झारखंड सरकार द्वारा राज्य के महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य की वैसी सभी महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है तथा 50 वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 क्या है, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, क्या है इसकी विशेषताएं, इसकी पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, आवेदन कैसे करें, तमाम जानकारी के लिए बने रहें पूरा वीडियो में। जोहार, मैं पंकज। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य की इच्छुक महिलाएं जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पात्रता मापदंड को पूरा करती है, वो सभी 1 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से जाकर वे आवेदन कर सकती हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ कौन कौन ले सकता है, तो इस योजना का लाभ झारखंड राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए क्या है पात्रता, कौन योग्य है, तो आवेदिका झारखंड के मूल निवासी होनी चाहिए, महिला की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएं लेने योग्य होगी। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर महिला किसी भी प्रकार के पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं, तो वह इस योजना का लाभ के लिए पात्र नहीं है, वो नहीं ले सकती है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या टैक्स का भुगतान करता है, तो उस परिवार की महिला योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, वे भी नहीं ले सकती। आवेदिका के पास आवेदन से जुड़े दस्तावेज के लिए आवेदिका का आधार बैंक खाता से जुड़ा रहना चाहिए। पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जाएगा। महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर प्रज्ञा केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, निवास का प्रमाण पत्र जहां वो रहती हैं, आय प्रमाण पत्र आदि लागू हो, जाति प्रमाण पत्र वो भी अगर जरूरत हो तो, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो वही मोबाइल नंबर। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.mmsy.jharkhand.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन फॉर्म अच्छे से जांच कर लेने के बाद सबमिट करें। आगे भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन जो किए हैं उस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लें, या फिर जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें से जो निकलेगा उसका प्रिंट आउट कर लें। ध्यान रहे, आवेदन के लिए कोई राशि रुपया नहीं देना होता है। अगर कोई मांग करे तो संबंधित वरीय अधिकारी को तुरंत सूचना दें। मिलूंगा अगली जानकारी के लिए। जोहार।